हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त विकास पंत स्वागत करता हूं अपनी न्यू वीडियो पर। दोस्तों, हम हैं अभी आपका आंध्र प्रदेश में और जा रहे हैं अभी सिली सेलिंग के लिए, जहां पे हमने करने हैं आज मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन। और अभी हम रुके हैं यहां पे जरा चाय पानी के लिए। यहां पे दोस्तों हमारी बस खड़ी और यात्री यहां पे नहा रहे हैं, उसके बाद चलेंगे सीधे आपका मंदिर के लिए। ये रागुलियां का सुंदर सा व्यू जो कि आप देख सकते हैं। अब तक दोस्तों हम आपका सिली सेलिंग पहुंचने वाले होते, लेकिन अभी हम जहां से हम आए, क्योंकि पीछे क्या है कि फॉरेस्ट का एरिया पड़ता है, तो वहां पे गाड़ी की एंट्री नहीं होती। गाड़ी की एंट्री सुबह 5 बजे से होती है, तो वहां पे हमें कम से कम 2 से 3 घंटा हमारा ख़राब हुआ और हम वहीं पर फॉरेस्ट की चौकी पर ही वहां पर बैठे रहे। 5 बजे का इंतजार किया, जब 5 बजे तब उन्होंने गेट खोला, अभी उन्होंने हमको जाने दिया, क्योंकि उस जंगलों में जंगली जानवरों का खतरा ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ से फॉरेस्ट 5 बजे से पहले किसी को भी नहीं जान देती, चाहे वो कोई भी हो। इसी चक्कर में हमारा टाइम ख़राब हो गया, वरना अब तक हम आपका सिली सेलंग पहुँचने वाले होते। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी पवन चक्कियों का कितना काम है, क्योंकि इससे यहाँ पे बिजली उत्पादन होता है। ये यहाँ तो फिर भी कम है आपका आंध्र प्रदेश में, लेकिन तमिलनाडु में इसका काम बहुत है। कन्याकुमारी साइड तो इतनी पवन चक्कियाँ हैं कि क्या बताऊँ आपको, देखने लायक है। क्योंकि दोस्तों, अब जैसे जैसे हम डाउन को आते जा रहे हैं, तो वैसे वैसे भी ठंड का एहसास होता है जा रहा है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में थोड़ी थोड़ी ठंड होनी स्टार्ट हो गई है। उसके बाद आपका आ जाएगा, जैसे हम आपका उज्जैन पहुँचेंगे MP में, तो वहाँ तो ठंड होगी। उसके बाद जब अपना उत्तराखंड आ जाएगा, तो फिर तो आपको पता ही है कि वहाँ का मौसम कैसा है इस टाइम पे। वहाँ तो आदमी इस समय में यहाँ पे धूप आने को, और वहाँ तो अभी कोहरे से ऐसा हाल हो रहा होगा कि पूछो मत। क्योंकि मैंने घर में बात हुई थी, तो सब कह रहे हैं कि बहुत कोहरा है यहाँ को, बहुत ठंड पड़े इस बार। टेम्परेचर 3-3 तक का पहुँच गया, लगा लो अब कैसे ठंड पड़ रही होगी। दोस्तों, आंध्र प्रदेश में सुंदर सा सनराइज, जैसे कि आप देख सकते हैं सूर्यदेव बस कुछ क्षणों में आपके पूरी तरीके से चमकने वाले हैं। दोस्तों, बस ट्रेवल में इसलिए ज्यादा करता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत बहुत सी ऐसी चीजें सीखने को मिलती हैं, जो कि मेरे आने वाले टाइम में मेरे काफी काम आएंगी। क्योंकि अगर दोस्तों में एक बार भी अगर मैं कोई बंदा किसी जगह पे घूम जाता है, तो उसे उस चीज़ की जानकारी हो ही जाती है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत हो ही जाती है कि यहाँ का माहौल कैसा है, क्या है। यही कारण मेरा भी है कि मैं ज़्यादातर बस ट्रेवल करता रहता हूँ, लेकिन अब आगे से देखते हैं दोस्तों क्या होता है। दोस्तों, साउथ की चाय बड़ी बेस्ट है, कुछ भी बड़ी काफ़ी कड़क चाय मिल रही है, तो काफ़ी अच्छी चाय मिल रही पीने के लिए। तो पीते हैं एक और चाय और बैठते हैं फिर गाड़ी में। दोस्तों, अब चलते हैं नहाने के लिए, क्योंकि गर्मी होने लगी, होनी स्टार्ट हो गई यहाँ पे, और मंदिर भी जाना है, तो मंदिर नहा के जाएंगे। दोस्तों, फाइनली नहा लिया है, अब जाके थोड़ा सी शरीर अच्छा लग रहा है। अब चलते हैं गाड़ी की तरफ, एक चाय पियेंगे, उसके बाद बैठेंगे सीधे गाड़ी में। तेरे बिन ना जी सकूंगा तेरे बिन ना ले दे तुझे दम तुझे कितना चाहे हर दम तेरे साथ हो जाए ये पतंग तुझे कितना चाहे हर।
दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं हम श्री सीलम और यही पे आपका महादेव का मंदिर। अभी यहाँ पे हमारा बंदा है खाना पीना, उसके बाद हम भी जाएंगे मंदिर के दर्शन करने के लिए। ये यहाँ पे लगे बड़े हमारे करंट बल्दा खाना पीना बनाने में। ये यात्री सब चले गए हैं, वो लोग सब आके खाना पीना खाएंगे, उसके बाद यहाँ से हमें निकलना है क्योंकि यहाँ पे क्या है कि पूरी धर्मशाला फुल है। आप देख सकते हैं कितनी बसें खड़ी हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं ये है कई बसें दोस्तों, इसलिए यहाँ पे धर्मशाला मिलनी मुश्किल है। और मंदिर में कहते हैं कि भीड़ कम है, देखते हैं कैसा माहौल रहता है। दोस्तों खाना पीना चल रहा है यहाँ पे और हम जा रहे हैं मंदिर के लिए। कुछ यात्री आ चुके हैं हमारा दर्शन करके, अभी कुछ आने वाले हैं। और अभी गेट हो चुका है बंद, कपाट कह रहे हैं 5:30 बजे खुलेगा, तो चलते हैं अभी 4:30 बजे जाके, थोड़ा क्या है कि टाइम से दर्शन हो जाएंगे, भीड़ भीड़ नहीं होगी दर्शन करने के लिए। लेकिन मंदिर के लिए पीते हैं यहाँ पे थोड़ी कॉफी चाय से चलते हैं। रोहित भाई कहाँ जा रहे हो? मैं पहुँच चुका हूँ मंदिर के गेट के पास, लेकिन अभी देख रहा हूँ कि एंट्री कहाँ से होती है। मेरे साथ आए हैं रोहित भाई जो मुझे यहाँ पे छोड़ के चले जाएंगे एंट्री गेट पे। छोड़ना है कि रुकना है? चलो अंदर ही चलो ना। नहीं ना, आ गया हूँ यार, गाड़ी में जाते काट लिया, गोली मार रहा है, गोली मार रहा है। यहाँ पे ना क्या है कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, जैसे लैंग्वेज चेंज हो गया है ना, तो हम नॉर्थ से तो साउथ में क्या है कि समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल। जैसे आंटी जी बोल रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या बात कर रहे हैं। अब अभी मैंने कॉफी मांगा उनसे तो सांग बोलते कॉफी को, स्ट्रॉन्ग ऐसे करके सांग ऐसे करके, तो लैंग्वेज में काफी दिक्कत आ रहा है। अगर किसी को इंग्लिश आता है तो तब ठीक है, लेकिन सामने वाले पर्सन को भी इंग्लिश आना चाहिए उसके साथ साथ। और मतलब हिंदी तो फिर ये है कि अपने को आता है। चलो बाकी बात में तुम फोन पकड़ो, मैं जाता हूँ मैच देखता हूँ। जैसे कि आपको बताया, मैं आपका आया हुआ था श्री सेलम और यहाँ है आपके मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है, जिसके मेरे दर्शन हो चुके हैं। और यहाँ पे दोस्तों भीड़ कम थी, लेकिन यहाँ एक चीज़ अच्छी थी कि यहाँ पे VIP वाला कोई सीन शॉट मुझे ऐसा दिखा नहीं, जो कि उससे क्या और थी कि सबको एक समान दर्शन करने का मौका मिल रहा था। और हमारा दोस्तों खाना पीना भी हो चुका है, तो अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए और रात के बच्चों के 11, तो आपको मिलते हैं कल सुबह और आपसे ले लेते हैं विदा इसी के साथ। और कल करेंगे अपनी नई वीडियो का आगाज़, तो
क्योंकि ये यात्रा में नींद पूरी नहीं हो पा रही, क्योंकि दोस्तों सोने को बहुत कम मिल रहा, तो इसलिए मैं टाइम से सोता हूँ और कल सुबह उठना है फिर से 5 बजे। तो आप इस वीडियो को करते हैं यही ब्रांड, आपको मिलता है कल सुबह।